कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों में अब तक 274 मामले सामने आए हैं, इसमें से 38 विदेशी हैं। 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत सरकार की तरफ से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। फैलने से रोकने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन इस बीच लोगों के दिमाग में एक ही सवाल कौंध रहा है कि आखिर इसका इलाज कब तक ढूंढ लिया जाएगा। वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, उनका रिसर्च कहां तक पहुंचा है, भारत के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, क्या यहां इसके इलाज के लिए टीका बन पाएगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि वैज्ञानिकों के रिसर्च से जुड़ी ताजा अपडेट क्या है और इसका टीका बनाने की दिशा में क्या कुछ हो रहा है। साथ ही हम आपको भारत की एक बड़ी दवा कंपनी का वो अपडेट भी पहुंचाने वाले हैं जो आपके लिए थोड़ी राहत देने वाला होगा। तो दोस्तों, कोरोना के कहर से दुनिया परेशान है। ऐसे में इस बीमारी से निपटने के कई तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं और नए शोध भी किए जा रहे हैं। शोध में सबसे अहम है इस रोग से निरोधक टीका विकसित करना। इस दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। पिछले सप्ताह इसका मानवीय परीक्षण भी शुरू हो चुका है। पहले अमेरिका, उसके बाद चाइना ने इसका परीक्षण किया है, जिनको लेकर बताया जा रहा है कि इसमें अभी 1 साल तक का वक्त लग सकता है। इस वक्त दुनिया भर की करीब 35 बड़ी संस्थाएं रिसर्च में जुटी हुई हैं और हर दिन उनके रिसर्च मेडिकल जर्नल्स में छप रहे हैं ताकि दुनिया उनसे फायदा उठा सके। भारत की सिप्ला ने दी बड़ी खबर। स्वास्थ्य समस्याओं, खासकर सांस लेने से जुड़ी दिक्कतों और फ्लू के बेहतर इलाज का इजाद करने वाली भारतीय औषधि कंपनी सिप्ला अगले 6 महीने में अभी तक लाइलाज कोरोना वायरस के इलाज की दवा पेश कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सिप्ला कोरोना वायरस की दवा इजाद करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन सकती है। इसके लिए कंपनी सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर कोरोना की दवा विकसित करने के साथ ही इस बीमारी में सांस लेने से संबंधित तकलीफों में ली जाने वाली दवा, अस्थमा में ली जाने वाली दवा, एंटीवायरल दवाओं और HIV की दवाओं के इस्तेमाल का भी प्रयोग कर रही है। फेफड़े की सूजन रोधी दवा वितरित। सिप्ला के प्रमोटर यूसुफ हामिद ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से कहा है कि वो अपने तमाम संसाधनों को देश के फायदे के लिए झोंक रहे हैं। कंपनी ने इन दवाओं का उत्पादन 2 गुना कर दिया है। सिप्ला ने स्विट्जरलैंड की कंपनी रोचेज की सूजन रोधी दवा एक्सट्रीमरा को भारत में पहले ही वितरित कर चुकी है, जिसका इस्तेमाल फेफड़ों से जुड़ी गंभीर समस्याओं के इलाज में किया जाएगा। अगर भारतीय चिकित्सा जगत फैसला करता है तो कंपनी के पास और भी दवाएं हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिप्ला की ये पहल भारत के लिए बड़े मायने रखती है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ, एंटी फ्लू और HIV से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इस कंपनी का योगदान शानदार है। मौजूदा दौर में कोरोना के मामले में ये दवाएं असरदार साबित हो सकती हैं। फिलहाल COVID-19 का कोई इलाज नहीं है, जबकि HIV, एंटीवायरल और एंटी मलेरियल दवाओं से इसका इलाज हो रहा है। नई दवा को लेकर क्या है प्लानिंग? नई दवाओं के बारे में सिप्ला ने कहा है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए एंटीवायरल कंपाउंड जैसे फेविपिराविर, रेमडेसिविर और बोलाक्सिविर का उत्पादन शुरू किया जाएगा। कंपनी सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इन तीनों दवाओं के कच्चे माल को बनाने पर विचार कर रही है। हामिद ने कहा कि कच्चे माल का उत्पादन करने के बाद दवा लाने में 6 महीने का वक्त लगेगा। हालांकि कंपनी के पास कई तरह की दवाइयां हैं, लेकिन सही कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण में जिन दवाओं के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं और दुनिया भर में जिनका परीक्षण किया जा रहा है, उनमें एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर और 2 HIV ड्रग्स लोपिनाविर और रेटोनाविर का कॉम्बिनेशन और एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्वीन शामिल हैं। सिप्ला लोपियोन टैबलेट पहले ही बना चुका है, जो लोपिनाविर और रेटोनाविर का कॉम्बिनेशन है और ये घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल COVID-19 से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए एंटी HIV ड्रग्स के कॉम्बिनेशन के रेस्ट्रिक्टेड यूज की मंजूरी पहले ही दे चुका है। इन अहम दवाओं की उपलब्धता के बारे में हामिद ने कहा, हमारे पास ये दवाएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन अगर कोरोना महामारी की तरह फैलती है तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।